अस्सलाम वालेकुम भाई डॉक्टर, क्या हाल चाल। तो आज तेरा भाई कुछ चीज़ें बताने वाले, ठीक है, मतलब कुछ नहीं यार, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें जो अपडेट से पहले मैं बताऊंगा उन सब बंदों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली। हाँ, ज़्यादा सी लंबी है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा यार लंबी वीडियो। और एक चीज़ है यार, जितनी भी चीज़ें 2.1 के साथ आने वाले वो सब कुछ मैं इसके अंदर बताऊँगा और दिखाऊँगा, ठीक है। मतलब वो चीज़ें जो हम पाइट कैसे ले सकते हैं पैरों के साथ, और उसी के साथ हम फिर से कैसे रिकॉल हो सकते हैं, और जो न्यू गन आने वाला है वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा, ठीक है। न्यू गन कहाँ से मिलता है वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो चलो भाई आगे देखते हैं कैसे क्या। आगे जाने से पहले एक लाइक ज़रूर ठोक देना, और अगर तुम चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो, बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ गुजारिश है, ठीक है, ताकि मैं हर न्यू एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो इंस्टा भी लाजमी से फॉलो कर देना। अब ये जो है ना एक न्यू गन है, ठीक है, जो एड किया है स्नाइपर है, AMR के नाम से, AMR स्नाइपर, इधर भी तुम देख सकते हो, ठीक है, मोसी नेगेट के नीचे AMR स्नाइपर। अब ये कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है, किस लिए मिलता है, अब वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। एक चीज़, ये चीज़ जो है ना मैंने खुद सोचा था कि मैं इसके ऊपर लैंड कर सकता हूँ या फिर नहीं, तो अब इधर मैंने ट्राई किया, ये चीज़ तो नहीं हुआ, ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट ही समझो। तो उसके बाद एक और चीज़ है जो कुछ बंदे बोल रहे थे कि भाई न्यू जो मार्केट आता है ना, जो शॉप आता है जिसके अंदर हम शॉपिंग कर सकते हैं, अब वो कैसे दिखने वाला है, तो अब इधर तुम देख सकते हो, ठीक है। हर एक बंदे को तुम्हें अलग अलग रिप्लाई नहीं दे सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, खैर जिसको भी देखना है देख सकता है। तो उसके बाद हम इधर आते हैं भाई, ये वाली जो पैरों इधर आती है, ठीक है, अब इसके साथ हम पैच ले सकते हैं, ठीक है। पैच कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, कितने बंदों के साथ मतलब हम पैच ले सकते हैं, इधर मैंने सोलो वे स्क्वाड लगाया था, इधर जो तुम लाइन देख रहे हो, ठीक है, जिस जगह से ये वाली वो सस्ती वाली पैरों जो जाती हैं, ठीक है, मुर्गे किस्म का, तो इधर जो है ना कुछ जगह है जिसके जिस पे वो रुक जाती है, ये वाले, ठीक है, जिस पे ये रुक जाती है, और उसके बाद हम इधर ऊपर चढ़ सकते। एक चीज़ मैं अभी से बताता हूँ, अगर तुम इधर पहले आओगे तो फिर तुम नहीं चढ़ सकते जब तक इससे मिट्टी गिराना शुरू ना हो जाए, ठीक है। अगर इससे मिट्टी गिराना शुरू हो गए तो उसके बाद तुम ऊपर चढ़ सकते हो। अब तुम्हें भी इधर अंदाज़ा हो जाएगा, अब अगर मैं इधर देखूँ तो मैं इधर देख सकती हूँ, ठीक है, ये रही मिट्टी गिराना शुरू हो गई और उसके बाद मैं ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तो उसके बाद ऊपर चढ़ने के बाद एक और चीज़ बताता हूँ, एक बंदा भी जा सकता है, पूरा का पूरा स्क्वाड भी जा सकता है, करना क्या है, ठीक है, करना क्या, अगर तुम पहले गए तो उसके बाद कोई और बंदा नहीं आ सकता, और अगर कोई और बंदा पहले गया तो फिर तुम नहीं जा सकते, ठीक है। इधर सांप वगैरह भी, अगर तुम उसके साथ पैच लेना चाहते हो तो अलग बात है, और अगर तुम डायरेक्टली पैरों के साथ पैच लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले इधर बीच में जिस जगह पर मैं अभी हूँ, इधर चार जगह जिसको तुमने एक्टिव करने है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आता हूँ इधर, इस जगह पे नहीं, इस लाइन को तुमने पकड़ना है। अब इधर तुम देख सकते हो एक जगह इधर है, इस पर कड़ा होना है, और इसके बाद जैसे इससे लाइट निकलेगा उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आता हूँ इधर, अब इस जगह पे चार जगह अगर तुम एक्टिव करोगे सब के सब लाइट इधर आती है, और उसके बाद तुम इधर ऊपर चढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा लाइन इधर से गया, तो अब एक जगह इधर भी है, तो अब इसको भी हम करते हैं एक्टिव। सिर्फ और सिर्फ कड़ा होना है, और कड़े होने के बाद मतलब 3-4 सेकंड के बाद ये खुद ही एक्टिव हो जाएगा, जैसे ही इससे लाइट निकलेगा उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। कुल मिलाकर अब इस वक्त मैंने 2 एक्टिव किए, ठीक है। तो अब एक्टिव करने के बाद अब आते हैं तीसरे पे, तो अब ये तीसरा वाला भी एक्टिव होने वाला है। चलो भाई अब ये भी एक्टिव हो गए, तो अब लास्ट वन इसका रह गया, तो अब इधर तुम देख सकते हो 3 लाइट इधर तक आ गए, एक लाइट अभी तक नहीं है, तुम इधर देख सकते हो एक लाइट जो है ना बिल्कुल खाली ही पड़ा है। तो अब सबसे पहले मैं इसके पीछे चला गया कि भाई ये आखिर का गया किधर, ये रहा, तो अब इसको भी एक्टिव कर दें, हो जा नल्ले, खैर चलो यार खैर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद मैं आता हूँ इसके बीच में, ठीक है। अब इसे के भी जैसे ही तुम कड़े हो जाओगे, इसका काम क्या है वो मैं बताता हूँ। वो जो बड़ा सा डोर है ना जिसके साथ अंपायर ले सकते पैरों के साथ, उधर तक जाने का एक बड़ा सा डोर है, ठीक है। जब तक ये वाला नहीं, मतलब जब तक तुम इस जगह से ऊपर नहीं आते तब तक वो वाला नहीं खुलता। सामने से एक छोटा सा वाला वो नीचे चला गया, और उसके बाद वो वाला डोर भी खुल जाएगा, ठीक है, जो दरवाज़ा है उसके बाद वो खुल जाएगा। तो अब खुलने के बाद फाइनली मैं आता हूँ इसके अंदर, तो अब अंदर आने के बाद एक और चीज़ है, उसके बाद तुमने आना है इसके बीच में खड़ा होना है। भाई मतलब क्या है यार ये, खैर आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस, वो इसलिए क्योंकि वैसे पैरों के साथ यार पैच लेने में अलग टाइप का मज़ा है, क्योंकि इसका एक हाथ इतना बड़ा है कि पूछे बात, खैर वो तुम्हें भी आगे पता चलेगा। तो अब जैसे मैं इधर ऊपर आ गया, सबसे पहले मैं इसका
कौवा चीज समझो यार, या फिर कुछ और ही समझो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसको क्या बोलते हैं यार, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वाला ताबूत है या फिर कुछ हो? ताबूत तो नहीं है यार, इस पे तो हम ताबूत का नाम ही नहीं रख सकते ना, ये अलग टाइप का है। तो अब इससे जो है ना, जो मम्मी का ये वाला चीज़ है ठीक है, इससे जो है ना वो निकलती है यार पैरों, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या, कुछ ज़्यादा ही मैंने इधर उधर देखा भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो फाइनली मैं आ गया इस सर्कल के अंदर, रुके जिस जगह पे मैं अभी रुका हूँ ना, इस जगह पे जैसे मैं रुके भाई लाइट निकल गई। तो अब लाइट निकलने के बाद इधर देखो, चलो वो तो हवा में उड़ रही है, खैर है सही है। अरे भाई साहब, तो ये चीज़ मेरा हसीस, मतलब इस चीज़ के साथ बाइट लेने में अलग टाइप का मज़ा था। मैंने जैसे ही देखा कि भाई इसका इसके साथ मैं आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद यार मैंने एमओ वगैरह इतने नहीं उठाए थे, अगर तुम स्क्वाड के साथ आते हो तो वो चीज़ बेस्ट होगा। अब वो क्यों बेस्ट होगा वो मैं इसलिए बताता हूँ, अरे भाई कितना लंबा हाथ था, मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि दूसरी बार मैं आ गया ठीक है, उसका भी मैं छोटा सा एक क्लिप दिखाता हूँ। दूसरी बार जैसे ही मैं आ गया तकरीबन कुल मिलाकर मेरे पास ज़्यादा एमओ भी पड़ी थी, सब कुछ था, मगर फिर भी भाई साहब मैं इधर से उधर फिर से भाग गए, मतलब फिनिश हो गए ठीक है। तो अब पहले बार मैंने सोचा कि चलो कुछ करता हूँ, मेरे पास एमओ नहीं थी ठीक है किसी भी गन में, तो कोई और रास्ता भी नहीं था, और इधर से कोई भी एमओ वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है ठीक है, कोई भी चीज़ इधर से नहीं मिलता है। और उसके बाद ये नले भी निकलते, ये सस्ते वाले जो है ना, सस्ते वाले मोमी सीट वाले, ये भी इधर से निकल जाते। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई इधर से भागने में ही भलाई होगी ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आता हूँ इधर एग्जिट पे, इधर जो एग्जिट का ऑप्शन आता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर से मैं आता हूँ उस जगह पर जिस जगह पर मैं पहले आया था ठीक है। तो अब इस जगह पर तुम फिर से आ सकते हो, और एक और चीज़ है, अगर तुम पहले गए तो फिर कोई भी बंदा उधर तक नहीं जा सकता। जैसे मैं इधर आ गया उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया, उधर तक मैं गया, मगर उधर तक भाई सब कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि जिस जगह पे मैं ऊपर गया था ना, जो पैरों के साथ पाइट लेते, उस जगह पे मैं फिर से दोबारा नहीं जा सकता था। तो उसके बाद मैं एक बार फिर से आ गया इस जगह पे, जैसे ही मिट्टी गिराना शुरू हो गई उसके बाद मैं ऊपर आ गया, और ऊपर आने के बाद चार जगह थे जिसको हमने एक्टिव करने, जैसे कि मैंने पहले बताया था ठीक है। इधर मैं वीडियो रेवस भी लगाता हूँ ठीक है। तो उसके बाद अब एक्टिव करने के बाद इस बार मैं फिर से जाता हूँ, इस बार मेरे पास तकरीबन 600 के आसपास पाइप की आईमो है, और सेबाई की आईमो कुल मिलाकर 70 ऐसे तक मेरे पास पड़े थे। तो मैंने सोचा कि इस बार एकदम इजीली मैं जो पैरों है इसको फिनिश कर सकता हूँ। अब फिनिश करने के बाद क्या मिलता है, एक चीज़ मैं अभी से बताता हूँ। जो एक साइड और दूसरे साइड पे तुम देख सकते हो जो दो बॉक्स पड़े, इस बॉक्स के अंदर वो वाला स्नाइपर होगा, AMR वाला ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार वो उठाऊँगा और तुम लोगों को दिखाऊँगा, मगर वो नहीं हुआ, क्योंकि यार इसका फिनिश करना एक बंदी से नहीं होता यार। 500 की 500-600 की आईमो पाइप, मतलब पाइप की आईमो मेरे पास तकरीबन 600 के आसपास थी ठीक है। और अगर AKM की बात की जाए, AKM की आईमो तकरीबन 70-80 तक थी, सब के सब ख़त्म हो गए। अब इसका हिल तुम देख सकते हो, इतना मतलब हिल इतना स्लो जा रहा है कि पूछो मत। अगर तुम स्क्वाड के साथ आओगे ना तो एकदम इजीली इस चीज़ को फिनिश कर सकते हो, जो पैरों है एकदम इजीली तुम इसको फिनिश कर सकते हो ठीक है। तो फिनिश करने के बाद वो वाला स्नाइपर भी तुम उठा सकते हो, और अच्छा खासा और भी लूट मिल जाएगा ठीक है। जो ये नल्ले निकलते हैं ना, इसके साइड पे जो निकलते हैं यार, उससे मैं तंग आ गया, क्योंकि इसको मैं फिनिश कर सकता था इस एक चीज़ से। वो क्या है भाई साहब, मैं मेली से फिनिश कर सकता था, मगर यार वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे। तो फिर तो मैंने सोचा कि भाई कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो अब ये देखो, एक साइड भी निकल गया और एक दूसरा साइड भी निकल गया। तो अब इसके साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और ऊपर से ये भी देखो हवा में एक एक बार उड़ाती है ठीक है। खैर सह लेंगे यार, अब तो हम इधर फंस गए ना। तो एक और चीज़ है, मैं अब इधर फिनिश होने वाला हूँ। तो अब फिनिश होने के बाद कैसे मैं बच गया, क्यों बच गया, क्योंकि वैसे इसके अंदर रिकॉल नहीं है। एक चीज़ मैं अभी से बताता हूँ, इसके अंदर जो है ना कोई भी रिकॉल वगैरह कुछ नहीं है, मतलब अगर तुम इधर फिनिश हो गए तो तुम डायरेक्टली लोबी जाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, एक चीज़ उठाना है। चीज़ क्या है अक्सर बंदों को पता होगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई सब सोलो में एकदम इजीली हम रैंक पुश कर सकते हैं, क्योंकि वो वाला चीज़ उठाना है। अगर तुम वो वाला उठाओगे उसके तकरीबन कुल मिलाकर 20 मिनट है ठीक है। तो तुम इधर अच्छा खासा पाइट भी ले सकते हो, या फिर इधर बंदों के लिए कैंपिंग भी कर सकते हो रैंक पुश के लिए ठीक है। तो उसके बाद अगर तुम इधर फिनिश भी हो गए फिर से तुम रिटर्न आओगे ठीक है। अगर तुम सोलो भी खेलते हो फिर से तुम रिटर्न आओगे। तो
वो चीज़ इस वक्त मैंने उठाया था, जिस बंदे को पता नहीं या फिर जिस बंदे ने वो वाली वीडियो देखी नहीं है, एंड स्क्रीन में मैं दे दूंगा, लाजमी से चेकआउट कर देना। खैर अगर तुम्हें पता नहीं है तो वो भी पता चलेगा। तो अब इस वक्त जितने भी आईमो थे, अब आईमो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जितना भी मैंने कोशिश किया ये फिनिश होने का नाम नहीं ले रही थी जो पैरा है। अब मैंने सोचा कि मैं इसको यार फिनिश करूँगा तो फिर कोई नहीं यार, एक ना एक चीज़ तो मिल जाएगा ना, जो AMR स्नाइपर है, खैर यार वो तो मिल जाएगा, वो तो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, मगर वो भी नहीं हुआ। फाइनली पिस्टल में कुछ ही आईमो रह गई, तो अभी से भी मैंने ट्राई किया, अभी भी ख़त्म होने वाली यार। बैकपैक में जितने भी आईमो आती है ना, Level 3 के बैकपैक में जितने भी आती है, सब के सब मैंने उठाई थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेले ही रह गए, तो अब मैंने सोचा कि चलो यार इसी भी ट्राई करता हूँ, एक ही ट्राई यार करेंगे, अब और क्या कर सकते। मगर ये नल्ले के बच्चे मुझे नहीं छोड़ रहे, जिसके साथ भी जो सस्ते वाले सस्ते मोमी सीट वाले हैं ना, ये मुझे नहीं छोड़ रहे। अभी इधर देखो यार, एक ही जगह पे इतने ज़्यादा हो गए कि पूछो मत। तो अब फाइनली तेरा भाई अभी इधर फिनिश होने वाला है, एकदम गंदा फिनिश होने वाला है, और कोई रास्ता ही नहीं था। अब ये देखो भाई, हिल इतना ज़्यादा जा रहा है कि पूछो मत, क्योंकि वो ज़्यादा हो गए और मैं यहाँ क्या ना हूँ यार, 1v5 या फिर 1v10 समझो, कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब इस बॉक्स के लिए मैं आया था, ये वाला बॉक्स तो मेरे हाथ से निकल गया, तो अब उसके बाद एक और चीज़ है, अब इधर वेक्टर भी मेरे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि मैं अब इधर फिनिश होने वाला हूँ। जो मैंने चीज़ उठाया था, अब उसकी वजह से फिर से मैं बच गया, ठीक है, फिर से मैं रिटर्न आ गया। अब वो कैसे, अब इधर देखो मैं इधर फिनिश हो गया ना, तो अब इधर रिकॉल वगैरह कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब इस चीज़ से हम फिर से रिटर्न भी आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो वाला यार चीज़ उठाना है, इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा है क्या पूछो मत। खैर मैं एट स्क्रीन पे वो दिखाता हूँ, जिस पे वो वीडियो डालता हूँ, जिस बंदे को पता नहीं लाजमी से देख लेना, ठीक है। तो यार हमारी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो अगर बात कीजिए वीडियो पे, इस वीडियो पे कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगाई हुई से, क्योंकि सुबह से मैंने ट्राई किया तकरीबन 4-5 घंटे में 2 बार मैंने स्टार्ट किया गया। पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर उसके बाद मैंने समझा और उसके बाद मैंने तुम लोगों को दिखाया, ठीक है। तो एक और चीज़ है, वो भी मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो उधर तक जाने से पहले वीडियो लाजमी से शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिस बंदे को पता नहीं उसको भी पता चले, कुछ दिन रह गए, ठीक है, कुल मिलाकर कुछ ही दिन रह गए यार अपडेट आने में, उस बंदे को भी पता चले। और अगर पसंद आया तो एक थम्स अप ज़रूर दे देना, ठीक है। तो अब एक और चीज़ है जो मैं तुम लोगों को अभी दिखाता हूँ, मतलब टाइटल के जैसा ही समझो, तो अब कुछ ऐसा एनिमेशन आज के बाद हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही हम लोबी इंटर होते, अब इधर देखो इंटर होने के से पहले विक्टर को देख रहा हूँ, अब ये चीज़ ये जो है ना इन्होंने न्यू ऐड किया, टाइटल आने का भी ज़्यादा चांसेस हैं, खैर वो भी देख लेंगे। तो अगर वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो एक थम्स अप ज़रूर दे देना, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करें बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ। इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।